नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लुवे सव्यसाहूणं वंदेतु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोचामि समय पाहुड़ मृणमो सुद केवली भणिधम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागा देवी कलप तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभावे वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी इस भरत क्षेत्र की अपूर्व रचना, भरत क्षेत्र के अभागे जीवों को साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का विरह भुला देने में ये समर्थ यह अनुपम रचना आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अपने अनुभव रस में लेखनी को डुबो डुबो कर एक एक शब्द की रचना की है। हर शब्द अनुभव से निकला है, हर शब्द में उनका आनंद रस झरता है, आनंद झलकता हुआ टपकता हुआ सा दिखाई देता है। अतींद्रिय आनंद रस में निमग्न रहने वाले वे वीतरागी संत, चाहे वे कुंद कुंदाचार्य हों चाहे टीकाकार अमृतचंद्र स्वामी हों, वे जब बाहर निकलते हैं तो वही आनंद रस झरता है, वही आनंद रस झलकता है उनके शब्दों में भी उनके वाणी में भी। सत्य ही है, समुद्र को स्पर्श करके आने वाली हवाएं भी, उस जल को स्पर्श करके आने वाली, समुद्र के पानी को स्पर्श करके आने वाली हवाएं भी जब शीतल हो जाती है तो चैतन्य महासमुद्र को स्पर्श कर आने वाली ये वर्तमान पर्यायें, यह भी उस आनंद रस से सराबोर हो जाती है, भरी हुई ही दिखाई देती है। 13वीं गाथा का प्रकरण चल रहा था और व्यवहार नए अभूतार्थ है, निश्चय नए भूतार्थ है, लेकिन ये नव तत्व कब भूतार्थ हो जाते हैं और कब अभूतार्थ हो जाते हैं ये प्रकरण यहाँ कुछ नई स्टाइल में दिया जा रहा था। बीच में कलश भी प्रस्तुत किया, आप सब जानते हैं, पूर्व में बताया है आपको। इस 13वीं गाथा की टीका के बीच में उन्होंने कलश दिया है, टीका के बीच में कलश दिया है। टीका का पूर्वार्ध हम पढ़ चुके थे, टीका के बीच में आया ये 8 नंबर का कलश हम पढ़ चुके थे, जिस 8वें कलश में प्रेरणा दी थी कि हे भव्य जीवों आत्मा को जानो, हे भव्य जीवों ज्ञायक का अनुभव करो, हे भव्य जीवों इन नव तत्वों में छिपी हुई उस चैतन्य ज्योति को पकड़ने का प्रयास करो, वो जरूर दिखाई देगी, वो प्रकट है, वो प्रकाशमान है, वो दैदिप्यमान है। यह बात इस 8वें कलश में कह दी गई थी और अब हम बढ़ते हैं इस 8वें कलश के टीका के उत्तरार्ध की तरफ। पहले गाथा पाठ करेंगे और उसके बाद टीका की तरफ बढ़ेंगे। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवरणे जर
बंदो मोको ये सम्मतम चिद चिदाश्रव पाप पुण्य शिव बंध संवर निर्जरा तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक है। भूतार्थ से इन्हें जानो तो यही सम्यक्त्व है, यही सम्यक दर्शन है। देखिए आज इस गाथा की टीका के उत्तरार्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 39 नंबर पेज अंतिम लाइन क्या लिखा है यहाँ, आठवें कलश के उपरांत समागत आत्मख्याति का भाव इस प्रकार है। अब जिस प्रकार नव तत्वों में एक जीव को ही जानना भूतार्थ है, क्या नव तत्वों में एक जीव को ही जानना जिस तरह से भूतार्थ है, भूतार्थ कहा है, उसी प्रकार एक रूप से प्रकाशमान, उसी प्रकार एक रूप से प्रकाशमान आत्मा के अधिगम के उपाय भूत जो प्रमाण नए निक्षेप हैं वे भी निश्चय से अभूतार्थ हैं। हो उनमें भी एक आत्मा ही भूतार्थ है। क्या पंक्ति दी है भाई साहब, हैं? देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। अब जिस प्रकार नव तत्वों में एक जीव को जानना भूतार्थ था ना, अच्छा जीव को जानना जो भूतार्थ कहा था वो जिससे जानना भूतार्थ था, माने जिस शुद्ध नए से, वो शुद्ध नए भूतार्थ है कि नहीं है ये बताओ। अब वो तो भूतार्थ है ना। अरे बड़े गजब का चिंतन है अमृत चंद्राचार्य देव का। साधन का क्या करें, जिस साधन से साध्य की प्राप्ति हुई अब उस साधन को भूतार्थ कहें या अभूतार्थ कहें, बोलो। यद्यपि पीछे इस तरह की बात कही थी, ये बड़ा पूरे समय सार में इस तरह का भूतार्थ अभूतार्थ निश्चय व्यवहार ये ही है, फिर ये उपादेय हो गया है, फिर ये प्रतिपाद्य था, ये प्रतिपादक जो प्रतिपादक था वो निषेध्य हो गया, ये बड़ी गजब की चर्चाएं यहाँ बहुत बैलेंस बना करके आचार्य देव चलते रहते हैं, बराबर बैलेंस लेकर के चलते रहते हैं, बैलेंस 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 इतना बैलेंस रखते हैं कि देखो अभी जिसको यहाँ भूतार्थ कहा था, क्या साध्य की प्राप्ति हो जाने के बाद वही अभूतार्थ हो गया। शुद्ध नए भूतार्थ है या अभूतार्थ है, प्रमाण नए निक्षेप ये भूतार्थ हैं या अभूतार्थ हैं, सुनिए, प्रमाण नए निक्षेप को साधन कहा है, प्रमाण नए निक्षेप साधन है, ये साध्य नहीं है, प्रमाण साधन है, किसे, प्रमेय वस्तु को जानने का नए साधन है, शुद्ध नए साधन है विषयभूत वस्तु को जानने का, तो ये तो मार्ग हैं मंजिल तक पहुंचने के। अब सोचना गंभीरता से, मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो जो मार्ग का काम करते हैं क्या उन्हें अनुपादेय माने तो फिर मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे, और उन्हें यदि उपादेय मान लेवे तो भी मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे, समझना। एक बहुत सुंदर वाक्य है नाव नदी के संदर्भ में, दादा ने परम भाव प्रकाशक नए चक्र में दिया, बहुत सुंदर वाक्य है, दादा की ही शब्दावली में कहता हूं मैं आपसे, उन्हीं के शब्दों में कहता हूं, यदि हमें नदी पार करने के लिए, यदि हम नदी पार करने के लिए नाव में बैठेंगे ही नहीं तो रहेंगे इस पार,
नदी पार करनी है ना, नदी पार करने के लिए हम नाव में बैठेंगे ही नहीं तो रहेंगे इस पार, और यदि नाव में बैठे और उतरे नहीं वहाँ पहुँचने पर तो रहेंगे मंझधार, नदी की धार के बीच में ही, उस पार तो दोनों स्थितियों में नहीं पहुँचेंगे। उस पार पहुँचने के लिए तो नाव में बैठना भी पड़ेगा और नाव से उतरना भी पड़ेगा, पर ध्यान रखना कब बैठना और कब उतरना, क्योंकि मंजिल पर पहुँचने के पहले ही यदि उतर गए तो नाव की नदी की तेज धार में बह करके समुद्र में मिल जाओगे, डूब जाओगे आप, फिर तो डेड बॉडी भी मिलेगी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति है। से यही बात यहाँ इन नयों के संदर्भ में लागू होती है। तो साहब शुद्ध नय को ग्रहण करें या शुद्ध नय को छोड़ें, क्या करना है बोलो, ये बात यहाँ समझा रहे हैं। अब जिस प्रकार नव तत्व में एक तत्व को जानना भूतार्थ कहा था, ये तो बात हो गई थी, नव तत्व को जानने में एक ही तत्व को भूतार्थ कहा था, उसी प्रकार एक से प्रकाशमान, क्या एक से, उसी प्रकार एक रूप से प्रकाशमान आत्मा के, अब एक ही रूप से जो प्रकाशमान आत्मा है उस आत्मा के अधिगम के उपाय, अधिगम के उपाय कौन कौन से हैं, प्रमाण नयैर अधिगमे हैं, तो मां स्वामी आचार्य देव ने लिखा प्रमाण नयैर अधिगमे हैं, प्रमाण और नये के माध्यम से क्या होता है, बोले अधिगम होता है। तो ये उपाय भूत जो प्रमाण नये निक्षेप हैं वे भी निश्चय से अभूतार्थ हैं। लो अरे जिन्होंने वो काम किया, जिन्होंने मंजिल तक पहुंचाया, उनका तो सहयोग मानो कि नहीं, वे भी अभूतार्थ हैं, उनमें भी यह एक आत्मा ही भूतार्थ है। तात्पर्य यह है कि उनमें भी एक आत्मा को बताने वाला नए ही भूतार्थ है, प्रमाण नहीं, निक्षेप नहीं, नए नहीं, शुद्ध नए नहीं। अरे शुद्ध नए को भी अभूतार्थ कहा, विकल्पात्मक दशा में है तो अभूतार्थ है, और निर्विकल्प दशा में देखते हैं माने उस नए के विषय की दृष्टि से देखते हैं तो वो भूतार्थ है। नए अभूतार्थ है, नए का विषय भूतार्थ है। क्या कहा ये जैन साहब, वो जो नए है उस नए को अभूतार्थ कहा, लेकिन नए की विषयभूत वस्तु वो भूतार्थ है। क्या कौन से नए की विषयभूत वस्तु, कि शुद्ध नए की विषयभूत वस्तु भूतार्थ है। अब समझना जरा बात, कुछ कहना चाहते हैं, विशेष बात यह है कि शुद्ध नए की विषयभूत वस्तु को भी शुद्ध नए कह देते हैं और शुद्ध नए के विकल्प को भी शुद्ध नए कह देते हैं, इसलिए कंफ्यूजन खड़ा होता है। तो शुद्ध नए की जो विषयभूत वस्तु है वो तो ग्रहण करने योग्य है, और शुद्ध नए का जो विकल्प है वो विकल्प छोड़ देने योग्य है। भाई इतना ध्यान रखिए, समझाएंगे अभी। अभी इसके बाद जो 9 नंबर का कलश आना है, उस 9 नंबर के कलश में तो इनको उड़ाएंगे। उदयति न नय श्री अस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि चन विद्मो याति निक्षेप चक्रम। ये आगे चल करके अभी आने वाला है, आज तो नहीं आएगा, कल आएगा ये कलश। माने आज तो हम यहाँ प्रमाण क्या हैं, नये क्या हैं और निक्षेप क्या हैं, उन्हें अमृत चंद्राचार्य देव की शैली में और स्टाइल में समझते हैं। देखिए 40 नंबर पेज पर चौथी लाइन, लाइन के नीचे से चौथी लाइन, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से प्रमाण दो प्रकार का है। प्रमाण दो प्रकार का है, हम सब जानते हैं
प्रमाण दो प्रकार का है। तास भेद दो है परोक्ष पर तचितिन माही, चेड़ाला की लाइन है ना। तास भेद दो है सम्यक ज्ञान का प्रकरण, दो भेद हैं। तास भेद दो है परोक्ष पर तचितिन माही, मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही। क्या अवधि ज्ञान मन पर जय दो है देश प्रत्यक्ष, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिए स्वच्छा। छेड़ालाकार की लाइनें हैं यहां लिख रहे हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से प्रमाण दो प्रकार का है, प्रमाण दो प्रकार का है। जो इंद्रिय मन आदि उपात उपात एक क्षेत्रावगाही समझिए आप, पर पदार्थों ये तो हो गए उपात। उपात माने एक क्षेत्रावगाह संबंध है इंद्रिय मन आदि, है ना, शरीर मन वाणी ऐसा समझ लीजिए। जो इंद्रिय मन आदि उपात पर पदार्थों एवं प्रकाश उपदेश आदि अनुपात पर पदार्थों द्वारा प्रवर्ते वह परोक्ष प्रमाण है। परोक्ष प्रमाण किसे कहा? क्या परोक्ष प्रमाण किसे कहा? डॉक्टर टी सी जैन साहब भरतपुर वाले ये कह रहे हैं अनुपात मतलब उपात और अनुपात इन दोनों को परोक्ष प्रमाण कहा। माने आत्मा को पकड़ना है, मान लीजिए क्या आत्मा को यदि पकड़ना है तो हमने कैसे पकड़ा? इंद्रियों और मन से, ये संयोगों से पकड़ में आ रहा है। हाथ पकड़ लिया तो आत्मा पकड़ में आ गया, ऐसा प्रमाण है, लेकिन परोक्ष प्रमाण है। अब कह रहे हैं इसी तरह से प्रकाश से, इसको भी प्रमाण कहा जाता है। उपदेश से इनको अनुपात, ऐसे पर पदार्थ उनमें प्रवर्ते, माने प्रकाश को भी। ये तो बहुत तरह के प्रमाणों की चर्चा परोक्ष प्रमाणों में, ये प्रामाणिक है ये। क्या माने ये जो प्रकाश और उपदेश आदि की चर्चा है ये लौकिक प्रकाश की बात है यहाँ पर, क्योंकि ये परोक्ष प्रमाण की चर्चाएं चल रही है ना, यहाँ ज्ञान प्रकाश की चर्चा नहीं है, यहाँ परोक्ष प्रमाण की ही चर्चा है। वह परोक्ष प्रमाण है, परोक्ष प्रमाण में तो पर पदार्थ शामिल होते हैं। इस प्रकाश को भी प्रमाण कहा है। प्रमाण माने प्रमेय वस्तु को जानने का साधन, वो प्रमाण। प्रमाण से प्रमेय को जाना जाता है, जैसे ज्ञान से ज्ञेय को जाना जाता है, तो ये परोक्ष प्रमाण है। और जो केवल आत्मा से ही प्रतिनिश्चित रूप से प्रवृत्ति करे वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण किसका नाम? डायरेक्ट आत्मा से जो ज्ञान हो। अच्छा प्रकाश से ज्ञान होता है या नहीं बोलो? जब आत्मा से डायरेक्ट ज्ञान होता है, डायरेक्ट आत्मा से, तो वो प्रत्यक्ष कहलाता है। इंद्रियों से ज्ञान होता है तो वो परोक्ष ज्ञान कहलाता है। और इंद्रियों के साथ साथ प्रकाश आदि से भी ज्ञान होता है, ये भी परोक्ष प्रमाण है। ठीक है ना? प्रमाण माने आधार नहीं, प्रमाण माने जिससे जाना जा रहा है वो प्रमाण है। इंद्रियों के माध्यम से जाना इंद्रिय प्रमाण है, डायरेक्ट आत्मा से जाना तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है ना? अभी जैसे स्मृति को प्रमाण कहा, प्रमाण का अर्थ वैसे प्रामाणिक है। किसी भी चीज़ की प्रामाणिकता के संदर्भ में कथन कैसे करें? तो ये जो बात कही जा रही है ये फैक्ट है या नहीं है कैसे कहोगे? तो हमने आत्मा से डायरेक्ट जाना, इसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण। आत्मा से डायरेक्ट जान लिया। अरे भाई साहब, मेरे अनुभव की बात कह रहा हूँ मैं। आत्मा से डायरेक्ट ख्याल में आ रहा है, अवधि ज्ञान ने डायरेक्ट ज्ञान लिया। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान का नाम प्रमाण है। देखिए अब आत्मा को एक तरफ रखो और हमने कहा नहीं, मैंने मेरी आँख से देखा है, अपनी आँखों से देखा है, मैंने अपने कानों से सुना है, तो ये प्रमाण है या नहीं? इसे इंद्रिय प्रमाण कहेंगे, इंद्रियों के माध्यम से। इसी तरह से प्रकाश यदि न होवे, प्रकाश भी प्रमाण है।
लेकिन ये इन्होंने कहा अनुपात प्रमाण है, परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान साधन रूप हैं ये सब वस्तु को जानने के। माने इनडायरेक्ट जाना तो परोक्ष प्रमाण है और डायरेक्ट जाना तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भेद पड़ता है यहाँ। वह प्रत्यक्ष प्रमाण है बराबर। पांच प्रकार के ज्ञानों में मति ज्ञान व श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। मति और श्रुत को परोक्ष प्रमाण कहा। अवधि व मने पर्याय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष प्रमाण है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये तो अभी हमने छेड़ाला की लाइन आपको पढ़ करके बता दी थी बोल करके। मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मनते उपजाई। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों परोक्ष है। अक्ष मनते इंद्रियों और मन से, यहाँ अक्ष शब्द का अर्थ इंद्रियां हैं। इंद्रियों और मन से उत्पन्न होने वाला मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है। और अवधि ज्ञान मन पर जय दो है देश प्रत्यक्षा। अवधि ज्ञान मन पर ये ज्ञान ये दोनों देश प्रत्यक्ष है। और अवधि ज्ञान मन पर जय दो है देश प्रत्यक्षा। क्यों? क्योंकि द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिए स्वच्छा। अब केवल ज्ञान वो सकल प्रत्यक्ष है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता। जाने कहीं काल प्रकट केवल भगवंता। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता। जाने कहीं काल प्रकट केवल भगवंता। देखिए यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद बतला दिए। मति और श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा। अवधि ज्ञान मने परिय ज्ञान को यद्यपि प्रत्यक्ष है लेकिन देश प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान ये सकल प्रत्यक्ष है। सब बातों को डायरेक्ट आत्मा से जान लेता है। चलिए इन्हीं का थोड़ा सा और स्पष्टीकरण करते हैं भूतार्थ अभूतार्थ के संदर्भ में। प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दोनों ही प्रमाण, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी, ये दोनों ही प्रमाण प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय के भेद का अनुभव करने पर भूतार्थ हैं। भेद का अनुभव करने पर भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। किंतु जिसमें सर्व भेद गौण हो गए हैं ऐसे एक जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। क्या लिख दिया लक्ष्मीचंद जी साहब? ये क्या लिख दिया है? ये अमृत चंद्राचार्य की पंक्तियां हैं। संस्कृत पंक्तियों को हूबहू उतारा है यहाँ हिंदी में। एक शब्द भी आगे पीछे नहीं है। हम भाषा भेद से हिंदी में पढ़ रहे हैं लेकिन शब्द तो अमृत चंद्राचार्य देव के हैं। वापस देखिए, प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दोनों ही क्या हैं? दोनों ही क्या हैं? प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय होते क्या हैं? ये क्या शब्द हैं? ये प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय ये क्या हैं? ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञप्ति और ज्ञेय, ये तो समझ में आते हैं। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञप्ति और ज्ञेय, ये चार शब्द सुने हैं क्या आपने कभी? ज्ञान जानने वाला, क्या ज्ञान गुण है? ज्ञाता, ज्ञान के माध्यम से जो जानता है वो ज्ञाता। जानने की जो क्रिया है वो है ज्ञप्ति। और उस जानन क्रिया का जो विषय है वो है ज्ञेय। तो ज्ञान साधन है और उस साधन से जो सहित है, ज्ञान रूपी साधन से जो सहित है वो ज्ञाता है। और ज्ञाता की जो क्रियाएं हैं वो ज्ञप्ति है।
और इस ज्ञप्ति क्रिया के माध्यम से जो जाना जाता है वो ज्ञेय है। हो गया ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय ज्ञप्ति। क्या अब इसी बात को जब ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय ज्ञप्ति को प्रमाण की दृष्टि से देखते हैं तो जिसे ज्ञान की दृष्टि से ज्ञेय कहा जाता है उसे प्रमाण की दृष्टि से प्रमेय कहा जाता है। क्या समझ में आ रही है बात? ज्ञान की दृष्टि से क्या कह रहे हैं? ज्ञान की दृष्टि से जिसे ज्ञेय कहा जाता है उसे ही प्रमाण की दृष्टि से क्या प्रमेय कहा जाता है। तो प्रमाण प्रमाता कौन? प्रमाण के माध्यम प्रमाण करने वाला वो होता है प्रमाता। और उस प्रमाण की जो प्रक्रियाएं जो क्रियाएं उस क्रिया का नाम कहेंगे प्रमिति। ये ज्ञप्ति क्रिया जैसा जानन क्रिया है ना, तो ज्ञान की अपेक्षा से जिसे ज्ञप्ति क्रिया कहा जाता है प्रमाण की अपेक्षा से उसे प्रमिति कहा जाता है। ज्ञान की अपेक्षा से जिस जानन क्रिया को ज्ञप्ति कहते हैं प्रमाण की अपेक्षा से उसी क्रिया को प्रमिति कहते हैं। और फिर है प्रमेय। ज्ञान का जो विषय होता है वो ज्ञेय है, तो प्रमाण का जो विषय होता है वो प्रमेय है। ऐसा है, बिल्कुल भी कठिन बात नहीं है। क्या ये तो बिल्कुल आप उपयोग को एकाग्र करके समझो ना, क्योंकि अभी यदि आपने इसको अपने लेवल से ऊपर की बात मान लिया तो समझ में नहीं आएगी, और अभी समझ में नहीं आएगी तो कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब समझेंगे तब ऊपर की बात लगेगी। चार शब्द हैं, बैठा लो, चार शब्द क्या क्या हैं फिर समझ लो। प्रमाण किसे कहते हैं? बोले संपूर्ण वस्तु का जो ज्ञान कराने वाला है उसे प्रमाण कहते हैं। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये प्रमाण हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रमाण तो ख्याल में आ गया। नए और प्रमाण तो जानते ही है ना, श्रुत ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, प्रमाण है। अब प्रमिति क्या है? क्या कि प्रमाण की जो प्रक्रियाएं जो क्रियाएं वो प्रमिति कहलाती है। क्या प्रमिति क्रियाएं? प्रमाता करता है, क्या प्रमाता जानने वाला है, ये जानन क्रियाएं प्रमिति। प्रमेय क्या है? जिसे भी जाना वो उसका प्रमेय कहलाता है। जिसे जाना है वो प्रमेय कहलाएगा। किसे जाना? प्रमाण का विषय क्या बना, प्रमाण से किसे जाना वो प्रमेय कहलाएगा। ज्ञेय किसे कहते हैं बतलाओ? ज्ञेय किसे कहते हैं? बस ज्ञेय और प्रमेय एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। ज्ञान ज्ञेय तो आपने सुने हैं ना, ज्ञान ज्ञेय शब्द तो सुने ही हैं। जब हमने ज्ञान ज्ञेय सुने हैं, ज्ञान जानने वाला, ज्ञेय जानने में आने वाला, तो प्रमाण जानने वाला और प्रमेय जानने में आने वाला, बस शब्द भेद है। जैसे यदि मैं आपको बतलाऊं उपादान की अपेक्षा से वस्तु को उपादेय कहा जाता है, निमित्त की अपेक्षा से उसे ही नैमित्तिक कहा जाता है। क्या फर्क है बोलो? निमित्त नैमित्तिक और उपादान उपादेय। तो जैसा शब्द होता है उसके सामने उसी तरह की बात कही जाती है। लेकिन ये कह रहे हैं अब इनमें यदि आपने भेद देख रहे हैं, भेदों का अनुभव करेंगे तो भेद दिखाई देगा। सुनना, यहां यहां क्या बताना चाहते हैं, आपकी दृष्टि में यदि भेद दिख रहे हैं मान लीजिए, तो भेद का अनुभव करने पर भेद भूतार्थ है। सच में ज्ञेय अलग है, ज्ञाता अलग है, प्रमेय अलग है, प्रमाता अलग है, प्रमाण अलग है, बराबर ये तो सब अलग अलग ही है। तो जब आप भेदों की मुख्यता की दृष्टि से देख रहे हैं तो आपको ये सब अलग अलग दिखेंगे, किंतु इन सर्व भेद गौण हो गए हैं जिसमें,
ऐसा जो अपना स्वभाव है, कोई भेद नहीं है। जहां ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय कोन विकल्प वच भेदन जहां, ये पंक्तियां पढ़ी है क्या आपने? छह ढाला की छठी ढाल की पंक्तियां हैं। जय ध्यान ध्याता ध्येय को, अब जैसे अभी इसी को दूसरे शब्द कहो तो ध्यान ध्याता और ध्येय। अब ध्यान ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान क्रियाएं, ध्याता ध्यान करने वाला है, और ध्याता का जो विषय है उसे ध्येय कहते हैं। अब शब्द बदल गए, जिस बात को ज्ञान पर लगाया उस बात को प्रमाण पर लगाया, उसी बात को ध्यान पर लगा लिया, ध्यान पे भी लगा इसी चीज को, ये ध्यान है और ये ध्येय है। ध्येय क्या है? ध्येय किसे कहते हैं? ध्यान का जो विषय होता है उसे ध्येय कहते हैं, तो ज्ञान का जो विषय होता है उसे ज्ञेय कहते हैं, तो प्रमाण का जो विषय होता है उसे प्रमेय कहते हैं। बोलो, समझ में आ गई बात? बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं, रंच मात्र भी कंफ्यूजन का काम नहीं है। जिस व्यक्ति जिस चीज को ध्येय कहा है वो ध्येय क्या है? ध्यान का सब्जेक्ट वो ध्येय है। तो फिर ज्ञेय किसे कहा है? ज्ञेय क्या है? कि ज्ञान का सब्जेक्ट वो ज्ञेय है। तो फिर प्रमेय क्या है? कि प्रमाण का जो सब्जेक्ट वो प्रमेय है। वही एक ही चीज, एक ही चीज को जब हम ध्यान की दृष्टि से देख रहे थे तो ध्येय कह रहे थे, ज्ञान की दृष्टि से नामकरण भिन्न भिन्न है, ऐसा समझ लो आप, नाम अलग अलग दिए हैं क्या, इन सब के नाम अलग अलग दिए हैं, भेद नहीं है। जिसको ज्ञेय कहा उसे ही प्रमेय कहा क्या। लेकिन आचार्य देव यह कहना चाह रहे हैं, अवनीश भाई, आचार्य देव यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप भेद दृष्टि से देखते हो तो ज्ञान अलग दिखता है, ज्ञाय अलग दिखता है, ये अलग दिखता है, क्रिया अलग दिखती है, सब सब अलग आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन भाई अनुभव के काल में तो मैं ही जानने वाला, मैं ही जानने में आने वाला, मेरी ही जानने की क्रिया, मैं मुझ में कोई भेद नहीं है। ज्ञान ज्ञाता ज्ञे ध्यान ध्याता ध्येय, अरे ये विकल्प मात्र भी यदि खड़ा हो गया तो अनुभव से बाहर आ गया, किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। निर्विकल्प देखो उस चैतन्य आत्म तत्व को, प्रमाण प्रमेय आदि के विकल्पों से परे देखो उस चैतन्य आत्म तत्व को, ये यहां दिखाना चाहते हैं, ये यहां बतलाना चाहते हैं। आचार्य देव का मंतव्य क्या है, अभी प्रयोजन क्या है, देखिए लिख रहे हैं यहाँ, वापस पढ़िए इन पंक्तियों को। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही प्रमाण भी हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण है, और इस प्रमाण का प्रयोग करने वाला वो प्रमाता है। इस की जो प्रक्रिया है क्या, ये प्रक्रिया प्रमिति है, प्रोसेस प्रमिति है, प्रमिति क्रियाएं, और इस प्रमाण का जो विषय था वो प्रमेय हो गया। बोले इनके भेद का अनुभव करने पर, यदि भेद का ही अनुभव करें इन सब का, तो यदि ये सब भेद यदि आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये भूतार्थ हैं भैया, हैं सच में भेद है। मैंने क्रिया कर्म करता कर्म क्रिया की अपेक्षा से यदि आप देखेंगे तो इनमें भेद तो है ही, भेद पड़ेगा, सत्यार्थ है। किंतु जिसमें सर्व भेद गौण हो गए, अब भेदों को सबको गौण कर दो, भेद नहीं दिखाई दे रहे हमारे को, अरे किसने जाना और किसको जाना, ये दो है ही नहीं। ज्ञान जान रहे हैं और ज्ञान ही जानने में आ रहा है क्या, समझ में आ रही है क्या बात? ज्ञान ही जान रहा है, ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान के द्वारा ज्ञान किया जाना, ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान के द्वारा जाना। अब बताओ ये भेद खड़े कर दो तो विकल्प है, और भेद नहीं खड़े करो तो सब एक ही तो है। क्या क्या ऊटपटांग बात कर रहे हो, सब समझ में आ रही है बात?
मैंने मुझको मेरे द्वारा, ये जो जो भेद खड़े कर दिए हैं इनमें क्या क्या फालतू के भेद पने की बात कर रहे हो आप, ये सब एक ही है क्या? यहाँ तो सम्यक ज्ञान के भेदों की चर्चा चल रही है, इसलिए मिथ्या ज्ञान को प्रमाण नहीं कहा। यहाँ तो सम्यक ज्ञान के भेदों की चर्चा है, इसलिए सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से ही बात लगाना। यद्यपि प्रमाण, प्रमेय, प्रमेय आदि, प्रमिति आदि जो हैं ये सब जगह लग जाएंगे, ज्ञान ये आदि जो हैं ये मिथ्या ज्ञान में भी लग जाएंगे, लेकिन यहाँ जो दिखाना है जिस आत्म तत्व को, ये सत्यार्थ वस्तु को दिखाना है, इसलिए यहाँ कुछ अलग बात है। अब भेदों की दृष्टि से देखो तो भेद दिखाई दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं साहब, ज्ञान ने जाना है भाई साहब, कि किसको जाना है, कि ज्ञान को जाना है, लेकिन वो जानने वाला ज्ञान, अच्छा मैं पूछता हूँ, जानने वाला ज्ञान अलग था, जानने में आने वाला ज्ञान अलग था, और जिस ज्ञान से जाना था वो ज्ञान अलग था, ये सब अलग अलग हैं क्या? ज्ञान ने ज्ञान को जाना, तो जिस ज्ञान ने जाना और जिस ज्ञान को जाना, ये दोनों अलग अलग हैं क्या? और जिस ज्ञान के द्वारा जाना गया, क्या ये अलग है क्या? और जाना, ये जानन क्रिया, ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान के द्वारा, और फिर चौथा फिर कहाँ जाना? तो बोले ये जो चार बातें कही है, ये चार बातें कहने का ही भेद है, वास्तव में तो भेद नहीं है। तो जब कहने का भेद खड़ा हुआ तो ये भूतार्थ है, भेद देखने की दृष्टि से भूतार्थ है, लेकिन वस्तु के स्वभाव के नज़दीक जाकर के देखें तो ये चारों ही भेद अभूतार्थ है, बोले कोई भेद नहीं है। वस्तु के स्वभाव के नज़दीक जाकर के देखो, जहाँ भेद गौण हो गए हैं, देखो लिख रहे हैं, किंतु जिसमें सर्व भेद गौण हो गए हैं, सर्व भेद गौण हो गए हैं, भेदों को सबको गौण कर दो, हमें ये चार भेद नहीं दिखाई देंगे, ऐसे एक जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर है, तुम तो कुछ नहीं, बस अनुभव करो, कोई भेद नहीं है। ऐसे जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, माने ये चार नहीं हैं, वे असत्यार्थ हैं, माने चार नहीं हैं। क्या सुनो क्या लिख रहे हैं ये? तो इस तरह से ये जो प्रमाण जो है, ये प्रमाण भी भले ही भूतार्थ था जानने की प्रक्रिया के तहत, लेकिन यह प्रमाण भी वस्तु के स्वभाव के नज़दीक जाकर के देखने पर अभूतार्थ पने को प्राप्त हो गया। माने यहाँ भी अमृत चंद्राचार्य देव ने नए लगा दिए भैया अमृत चंद्राचार्य देव ने, ये नए से बात कर दी इन्होंने, प्रमाण को भूतार्थ कहें या अभूतार्थ कहें, बोलो क्या कहना है? या आप यदि भेदों का अनुभव करोगे, मैं भेदों का अनुभव माने भेद अनुभव में नहीं आएंगे, भेदों का अनुभव माने ज्ञान। जब भेद के अनुभव की बात करते हैं तो वहाँ अनुभव शब्द का प्रयोग ज्ञान के अर्थ में होता है, जब अभेद अनुभव की बात करते हैं तो वहाँ अनुभव शब्द का प्रयोग अनुभूति के अर्थ में होता है, आनंद उत्पन्न, आनंद के जनक के रूप में होता है, ऐसा समझना। वैसे तो अनुभव जो है ये ज्ञान की ही पर्याय है, दोनों ही जगह ज्ञान है, लेकिन जब भेद अनुभव किए जाते हैं तो वो सिर्फ ज्ञान का विषय है, ज्ञान का गेज जैसा, और जब अभेद अनुभव करने की बात करते हैं तो अभेद अनुभव में अकेले ज्ञान का विषय नहीं है, अभेद अनुभव में वो अतीन्द्रिय आनंद है, भेद अनुभव में ज्ञान का विषय मात्र है, ज्ञान का गेय मात्र है, और अभेद अनुभूति में वो आनंद रस है अंदर का, अभेद अनुभूति में वो शुद्ध आत्म तत्व का वेदन है, वो अभेद है। क्या बात, बहुत क्या गहराई में जाकर के अमृत चंद्राचार्य देव बात करते हैं, कहते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दोनों ही इन चार भेद रूप का अनुभव करने से, करने पर भूतार्थ हैं, बराबर, और सत्यार्थ भी हैं, भेद हैं भाई सब, भेद तो खड़े होंगे तो होंगे, उसमें क्या है, किंतु जिसमें सर्व भेद गौण हो गए हैं, भेदों को जिसमें गौण कर दिया गया है, सर्व भेद गौण हो गए हैं,
अभी देखो चर्चा चल रही है प्रमाण की, क्या चर्चा चल रही है प्रमाण की, और भाषा में प्रयोग कर रहे हैं गौणता। प्रमाण में तो मुख्यतः गौणता होती ही नहीं है क्या? आलोक जी भाई साहब कारंजा से बोलो, जिसमें सर्व भेद गौण हो गए हैं। अब ये प्रमाण की चर्चा चल रही है और भेदों की गौणता की बात चल रही है क्या? तो जहां गौणता होती है वो तो नए का विषय होता है कि नहीं? अभी सर्व भेद भेदों की तरफ से गौणता है, अभेद अखंड वस्तु माने परिपूर्ण वस्तु एक साथ ज्ञान का विषय बन रही है, इसलिए प्रमाण है। वापस बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा, क्या मैटर क्या है यहां, ये क्या कह क्या रहे हैं ये? जिसमें सर्व भेद गौण हो गए हैं, अब यदि आप इसमें गौणता को देख रहे हैं तो मुख्यता और गौणता जहां हाईलाइट होती है भाई साहब, मुख्यता और गौणता जहां विषय की जाती है वो तो नए होता है। नयों के कथन में मुख्यता गौणता कंपलसरी होती है। तो यार ये नए समझा रहे हैं कि प्रमाण समझा रहे हैं? नए की चर्चा तो अगले पैराग्राफ में आने वाली है, आगे के दो पैराग्राफ में फिर निक्षेप की चर्चा आएगी। नए की चर्चा में मुख्यता गौणता होती है, प्रमाण में मुख्यता गौणता नहीं होती। वत्तु प्रमाण विषयम नए विषयम हवाई वत्तु एकंसम, नए के विषय में ये मुख्य दूसरी चीज गौण। तो जहां गौणता की चर्चा है वो नए है। तो ये कह रहे हैं कि सर्व भेद गौण हो जाते। अब सुनो, भेदों को गौण किया है, अभेद अखंड परिपूर्ण वस्तु को ही ज्ञान का विषय बनाया है, इसलिए प्रमाण है। बात थोड़ी सी सूक्ष्म है भैया, वस्तु स्वरूप ही इसी तरह का है, क्या बताएं है? जिसमें सर्व भेद गौण हो गए हैं, चलो सर्व भेदों को गौण कर दो, भेद नहीं दिखाई दे रहे हैं, भेद दृष्टि का विषय नहीं बन रहे हैं, ऐसे एक जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर क्या? सुनील जी भाई साहब संचित भी सुनता है, देखो कह रहे हैं, एक जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं। अब मुझे तो जीव ही दिख रहा है, मुझे भेद दिख ही नहीं रहे हैं, तो भेद नहीं दिख रहे हैं वे भेद अभूतार्थ हैं, झूठे हैं भेद। अरे कहा भेद की बात करते हो भाई साहब, अखंड तत्व का अनुभव करो, अखंड वस्तु की अनुभूति करो। ये कह रहे हैं प्रमाण के प्रमाण में ही, उस प्रमाण को जब तक उसका प्रयोजन सदता रहा और भेद हमें दिखाई देते रहे तब तक भूतार्थ था। जब हमने उस प्रमाण की विषयभूत अभेद अखंड वस्तु को ज्ञान का विषय बनाया और आनंद रस में निमग्न हो गए तो वे ही हमारे को क्या? वे ही हमारे को अभूतार्थ हो गए, खत्म, छुट्टी हो गई। अब जरूरत ही नहीं है भेद करके क्यों समझाना। सुनिए, भेद करके समझाया जाता है शिष्य को क्या? भेद किए जाते हैं शिष्य को समझाने के लिए, भेद गिने व्यवहार, ऐसा ही है। भेद गिनना, भेद देखना, भेद बताना, ये सब व्यवहार का काम है, और अभेद अखंड वस्तु बोले वो निश्चय का काम है। तो भेद दिखाई दे रहे हैं ये समझाने के लिए, समझने के लिए भेद किए ही जाएंगे। यदि आप भेद नहीं करेंगे तो वस्तु समझ में नहीं आएगी, और उन्हें यदि अभेद नहीं करेंगे तो अनुभूति नहीं होगी। समझना और समाजाना, ऐसे दो शब्दों के प्रयोग करते हैं हम हमेशा निश्चय व्यवहार पढ़ाते समय भी, समझना और समाजाना। तो समझने के लिए भेद खड़े कर दिए, समाजाने के लिए अभेद कर दिया। आप देखिए, जब आपको कंप्यूटर समझाएंगे तब आप क्या करेंगे? जब कंप्यूटर समझाएंगे तो समझाएंगे ये कीबोर्ड है, ये माउस है ना, ये मॉनिटर है, ये CPU है, इसके अंदर ये उसके एक एक पार्ट को और खोल खोल करके बता दो। तब खोल खोल करके बता दिया उसको तो बोले चलाओ, कि नहीं खोल दिया तो चलेगा थोड़ी ना, चलाने के लिए तो सबको अवेद करना पड़ेगा तब चलेगा। तो फिर ये आपने खोले, अरे तो खोले तो समझाने के लिए थे, अब इन सबको अवेद करना पड़ेगा। जब आपको
क्या बनाने की बात करूं बोलो, किचन में क्या बनाने की बात करूं, कुछ भी चीज़ बनाने के लिए आपको जब सिखाया गया, समझाया गया, तो क्या करेंगे? बोले देखो ये इतना लो, फिर ये मसाला लो, फिर ये लो, ये लो, ये लो, ये सब तरह की चीज़ें लो। डोसे की बात करने लग गए सब। क्या अब क्या किया इनको अपन ने, अलग अलग कर दिया ये सब दिखा दिए भाई। अब क्या करें, सबसे पहले सामग्री दिखाई जाती है, फिर सामग्री दिखाने के बाद में क्या करते हैं, अब उस सारी सामग्री को जो भेद करके देखा था, ये सब समझने के लिए देखा था, अब क्या करना, इस सारी सामग्री को मिला दोगे? नहीं, ऐसे नहीं मिलाएंगे, एक विशेष प्रक्रिया के तहत मिलाया जाएगा। जब विशेष प्रक्रिया के तहत जब ये मिल जाती है तो फिर आपके सामने डोसा बन करके तैयार हो जाता है। डोसा बन करके तैयार हो गया। अब डोसा बन करके तैयार होने के बाद में अब भेद नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब वो अभेद है। तो जब अभेद होता है तो वो अनुभूति का विषय बनता है, जब भेद होता है तो वो समझने का विषय बनता है। कोई व्यक्ति ये कहे कि जब हमें अनुभव ही करना है तो भेद क्यों करते हो, अरे जब तक समझिएगा नहीं तब तक समाएगा किसमें? समाने के लिए समझना तो जरूरी है। क्या बोलो, ये जो बात यहाँ प्रमाण के संदर्भ में कह दी है, अभी नए के संदर्भ में भी भूतार्थ अभूतार्थपना इसी तरह से घटित करेंगे, और शुद्ध आत्म वस्तु का अनुभव करने के लिए इन्हें अभूतार्थ कह करके पुकारेंगे। फिर निक्षेप की चर्चा में भी यही बात करेंगे। प्रमाण, नए और निक्षेप, तीन महत्वपूर्ण यहाँ जानने के उपाय बतलाए गए हैं। अधिगम के उपाय भूत, अधिगम माने ज्ञान, किस कौन किसके अधिगम की बात कर रहे हैं, आत्म वस्तु के अधिगम की बात कर रहे हैं, उसके लिए चल रही है ये बात। आत्म वस्तु के अनुभव की जब हम बात करते हैं तो बोले उपाय क्या है, आत्मा को कैसे जानो, बोले प्रमाण से, नए से, निक्षेप से, इनसे जानो आप। प्रमाण से जानोगे तो अलग तरह से देखने का एक एंगल अलग होता है, नए से देखने का एंगल अलग प्रकार का होता है, निक्षेप से देखने का एंगल अलग प्रकार का होता है। तो फिर साहब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, प्रमाण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निक्षेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। जैसे समझ लीजिए आप क्या कहें, खाने के लिए हाथ, मैं चम्मच की बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि कुछ लोग चम्मच छोड़ करके डायरेक्ट हाथ से भी खाते हैं, तो अभी अभी हाथ तो इतना इम्पोर्टेंट हो गया ना, बिना हाथ के आप खाएंगे कैसे? क्या बिना हाथ के आप उसको कैसे लेंगे? तो इसी तरह से हस्तावलंबन का था पीछे, इसी तरह से प्रमाण, नय और निक्षेप, इन तीनों के माध्यम से वस्तु को जानेंगे। इसका मतलब इनके बिना वस्तु पकड़ में नहीं आएगी, इन तीनों के बिना वस्तु पकड़ में नहीं आएगी। वस्तु को पकड़ने के लिए हमें प्रमाण, नए, निक्षेप का सहारा लेना ही पड़ेगा कि साहब ले लिया इनका सहारा, अब तो वस्तु पकड़ में आ जाएगी कि सुन इनके सहारे का विकल्प तोड़ना पड़ेगा तब वस्तु पकड़ में आएगी। निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति के लिए तुम्हें इनका विकल्प भी तोड़ना पड़ेगा। ये सारी प्रक्रिया इसी टीका के उत्तरार्ध के अंदर बतलाई है। मेरा मन था आज इसको पूरा कर देने का, क्योंकि आगे जो कलश है उस कलश में भी उसी अनुभव की विधि बतलाई है, अनुभव की प्रक्रिया बतलाई है। सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि चल रही है। नव तत्व को जानो प्रमाण से, नव तत्व को जानो नए से, नव तत्व को देखो भूतार्थ अभूतार्थ नयों से, तो वे किस प्रकार के दिखाई देते हैं। ये 13वीं गाथा है, पूरे समय सार का सार आ गया है, पूरे नव तत्वों की चर्चा आ गई है। पीछे पुण्य पाप की चर्चा, पुण्य पाप अधिकार, बोले पुण्य पाप को समान देखो। आश्रव अधिकार, बोले आश्र ज्ञानी के आश्रव नहीं होता है, जरा देखो तो सही हम जिस भूतार्थ नए से दिखा रहे हैं उससे। बोले संवर अधिकार देखो, बोले संवर कर्म के आने का नाम, रुकने का नाम संवर नहीं है, आत्मा में उपयोग इसका नाम संवर है। बोले निर्जरा, बोले ज्ञानी के निर्जरा नहीं होती, निर्जरा ज्ञानी जीव के भोग के काल में भी निर्जरा होती है, ऐसा नहीं होती, नहीं ज्ञानी के भोग के काल में भी निर्जरा होती है, निर्जरा अधिकार हो गया। बंद अधिकार, बोले आत्मा में बंद है कहाँ कि मोक्ष, बोले जिसका बंद नहीं उसका मोक्ष नहीं, बंद को लक्षणों से भिन्न कर दो ये मोक्ष हो गया। कि साहब सबको ही अलग कर दिया आपने तो फिर बचा क्या, बोले सर्व विशुद्ध बचा है, वही तो है अनुभव का विषय, जो बच गया है वो सर्व विशुद्ध है। ये सब बातें
ये यहां एक प्रकार से अत्यंत संक्षेप में सार आ गया पूरा सबका, उस आत्म तत्व को जानने के लिए भेद से अभेद की यात्रा का प्रकरण है भैया। सही कह रहे हैं, भेदों के माध्यम से अभेद तक पहुंचो, विकल्पों के माध्यम से निर्विकल्प तक पहुंचो, मार्ग से मंजिल तक पहुंचो, लक्षणों से लक्ष्य तक पहुंचो। ये ज्ञान उस ज्ञायक ज्ञेय प्रभु परमात्मा तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ये सारी विधि आज अपने सिर्फ प्रमाण की चर्चा पड़ी है, अब इसमें नए और निक्षेप, फिर निक्षेपों का स्वरूप और फिर एक आत्मा कैसे प्रकाशमान होता है उसकी चर्चा आगे की गई है। कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नौ गणों का मंत्र। हरिहंता नमो सिद्धां। Yeah.